नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, अच्छी अपडेट आ रही है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, खुशखबरी आ रही है। IIT डिप्लोमा और बीटेक के लिए लंबे टाइम से वैकेंसी आई नहीं थी, तो आप सबका इंतजार है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेंडर का आउट हो चुका है, कब तक भर्ती आ सकती है, किन किन के लिए भर्ती आ सकती है, कंप्लीट डिटेल में अपन बात करेंगे। टेंडर के नोटिफिकेशन में काफी सारी चीजें अपने को पता चलती है, तो कुल मिला के बात ये कि आप सब बच्चों के लिए खुशखबरी है, बहल जल्दी ही परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। टेंडर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लंबे टाइम से भर्ती आई नहीं थी, तो आप सब बच्चों का जल्दी ही इंतजार है वो खत्म होने वाला है। नीचे आप जाओगे तो टेंडर का एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो टेंडर नोटिफिकेशन भी ऑप्शन पे आप जब जाओगे तो भेल के अंदर जितने भी टेंडर होते हैं तो वो सारे के सारे आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। इस भर्ती से संबंधित जो टेंडर है उसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है 29/7/2022, यानी कि कुछ ही दिन पहले 29 जुलाई को ये टेंडर का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। इसके अंदर अपने को कौन कौन सी चीजों के बारे में पता चलता है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, यानी कि टेंडर के यहां पे नंबर दे रखे, आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज, नेम ऑफ द वर्क, ऑनलाइन असिस्टमेंट एग्जामिनेशन सर्विसेज फॉर रिक्रूटमेंट इन भेल, यानी कि भेल के अंदर जो वैकेंसी आएगी, जो रिक्रूटमेंट होगी, उस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। यानी कि जब भी कोई भर्ती आती है तो उस भर्ती को कौन सी कंपनी कंप्लीट कर पाएगी उसके लिए टेंडर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जब टेंडर का नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद में पूरी संभावना होती है कि वो भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है, तो भेल के अंदर भी परमानेंट वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। देखिए, यहां पर 3 नंबर पॉइंट के अंदर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट यहां पर इन्होंने बता रखी है, यानी कि जो खर्चा है उसका वार्षिक खर्चा कितना आने वाला है कंपनी का, तो यहाँ पे 10 करोड़ का यहाँ पे पर एनएम के हिसाब से इन्होंने खर्चा बताया। देखिए, जितना ज़्यादा टेंडर के अंदर अमाउंट मेंशन रहती है ना, बस उम्मीद ये होती है कि भर्ती के अंदर वैकेंसी भी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा ट्रेड और ब्रांच के लिए आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जब बढ़ते हैं तभी कंपनी की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे 10 करोड़ इन्होंने बता रखा है पर एनएम के हिसाब से, तो वैकेंसी भी बड़ी आएगी ऐसी ही उम्मीद है। 4 नंबर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वर्क कंप्लीशन, यानी कि कब तक काम आपको कंप्लीट होगा। तो देखिए, एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और 120, यानी कि 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वर्क ऑर्डर, यानी कि जिस भी कंपनी का टेंडर होगा उसको उसके बाद में वर्क ऑर्डर है वो भेल की तरफ से जारी किया जाएगा, यानी कि आप अपना काम है वो अब स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही वर्क ऑर्डर भेल की तरफ से कंपनी को जारी किया जाएगा उसके बाद में 120 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 4 महीने का टाइम होगा, उसके अंदर भर्ती प्रक्रिया वो संपन्न करवानी होगी। ये चीज अब देखिए, अपने काम की चीज जानने वाली चीज ये कि कब तक कंपनी को वर्क ऑर्डर मिल सकता है, तो आ जाइए आप पॉइंट नंबर 10 पे, डेट एंड टाइम फॉर बीड ओपनिंग। बीड ओपनिंग का मतलब होता है कि जो भी कंपनियां इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, आवेदन करती है टेंडर लेने के लिए, तो उनमें से किस कंपनी को वो टेंडर मिलेगा, किस कंपनी को ठेका मिलेगा, उसकी ओपनिंग होती है, तो वो जो ओपनिंग है 4 अगस्त को हो जाएगी। यानी कि अगर 4 अगस्त को ओपनिंग हो जाती है और अगस्त के महीने के अंदर ही भेल के द्वारा उस कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, तो उसके 4 महीने के अंदर अंदर, यानी कि अगस्त मान के चलिए भी अगस्त में अगर वर्क ऑर्डर मिल जाता है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि इस हिसाब से अपन देखें इन्होंने ऑफिशियल जैसे चीजें बताई है, तो 12वां महीना यानी कि दिसंबर 2022 तक ये भर्ती है वो कंप्लीट हो सकती है। अब देखिए, वर्क ऑर्डर जारी होने में टाइम लग जाता है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया में कुछ टाइम लग जाता है, तो 12वें महीने के अंदर अगर कंप्लीट नहीं होती है फिर भी अपन ये उम्मीद कर सकते हैं अभी 2022 के अंदर जो 12वां महीना दिसंबर तक है वो वैकेंसी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। वैसे इनका नोटिफिकेशन वो काफी लंबा है, काफी सारी चीजें इन्होंने दे रखी है वो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, आ जाइए आप ये जो पेज नंबर 10 है इसके अंदर यहां पे इन्होंने बता रखा है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी असिस्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मे बी 2 लाख टेंटिवली, यानी कि इन्होंने बताया भी लगभग 2 लाख बच्चे वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए काम की चीजें, हाउ एवर एक्चुअल नंबर फॉर ईच नोटिफिकेशन मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड डिसिप्लिन ETC, यानी कि ईच नोटिफिकेशन यहां पे इन्होंने बताया भी जो भी नोटिफिकेशन होगी उनमें प्रत्येक नोटिफिकेशन के लिए कितने जो बच्चे वो आवेदन करेंगे, ये डिपेंड करेगा कितनी वैकेंसी आती है, कौन कौन से डिसिप्लिन यानी कि ब्रांच और ट्रेड के लिए वैकेंसी आती है। ईच नोटिफिकेशन यहां पे इन्होंने बता रखा है, तो एक से ज्यादा नोटिफिकेशन है वो भी आ सकते हैं ऐसी भी उम्मीद है। और देखिए, एक से ज्यादा अगर नोटिफिकेशन आते हैं तो अपन मान सकते हैं भी IIT डिप्लोमा और BTEC या 2 के लिए वैकेंसी आ सकती है या फिर 3 के लिए वैकेंसी आ सकती है। भी IIT डिप्लोमा और BTEC तीनों है, तो तीनों में से कम 2 के लिए वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि नोटिफिकेशन यहां पे एक से ज्यादा
उम्मीद है कि एक से ज़्यादा नोटिफिकेशन आएंगे। वैकेंसी है, ट्रेड वगैरह, इन पर भी डिपेंड करे भाई कितने बच्चे हैं वो इसके अंदर आवेदन करते हैं। इनको उम्मीद है कि लगभग 2 लाख बच्चे वो आवेदन करेंगे। ऑनलाइन CBT आपका होने वाला है। तो देखिए काफ़ी सारा यहाँ पर इन्होंने बड़ा नोटिफिकेशन ये जारी कर रखा है, लेकिन अपने काम की चीज़ें बस यही है कि अगस्त के अंदर अगर कंपनी को वर्क ऑर्डर हो जाता है तो दिसंबर के महीने से पहले पहले बेल के अंदर आपके लिए परमानेंट वैकेंसी आ सकती है। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी जॉब अपडेट और करियर गाइडेंस के लिए ज्वाइन जरूर कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।